स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हरभजन कौर, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। हम इकोसिस्टम्स में फूड चेन्स के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन्स इन इकोसिस्टम। तो फूड चेन्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फूड चेन क्या होती है, किसे कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था ट्रॉफिक लेवल के बारे में। ट्रॉफिक लेवल्स जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ग्रेन प्लांट्स, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, किसी भी फूड चेन का फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। तो फूड चेन क्या होती है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ से फूड मटेरियल एनर्जी का ट्रांसफ़र जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर्स, किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, फूड मटेरियल एंड एनर्जी। प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर्स में और इस प्रकार आगे डिकम्पोजर्स में। तो इसमें क्या होता है, और ये सारे ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और ये टॉप ट्रॉफिक लेवल, इस प्रकार से। तो ये जो इस प्रकार से जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर उपस्थित लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक फूड मटेरियल और एनर्जी की प्राप्ति के लिए एक चेन बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है, जिससे कि फूड मटेरियल और एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये जो चेन होती है ये फूड चेन कहलाती है, क्योंकि ये फूड मटेरियल और एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए बनती हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो इसलिए ये फूड चेन कहलाती है। तो फूड चेन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हर्बीवोर्स, या इनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, और फिर हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और आगे डीकम्पोजर्स। तो एक सीरीज बन जाती है ऑर्गेनिजम्स की, जिनके थ्रू फूड और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन। रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, इसका अर्थ है कि जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को जो प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, ये अब किसी और का भी भोजन बन रहे हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं या प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, उनका ये भोजन बन रहे हैं। तो एक तरफ तो ये खा भी रहे हैं पर इनको दूसरे खा रहे हैं, तो ये एक रिपीटेड ईटिंग होती है एंड बीइंग ईटन। तो फूड चेन में क्या होता है, रिपीटेड ईटिंग चलती है एंड बीइंग ईटन भी चलता है।
दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इन एनी किसी भी फूड चेन में, इन एनी फूड चेन एनर्जी फ्लोस फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, कौन से होंगे ये, हर्बीवोर्स, फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं शाकाहारी, कार्निवोर्स जो एनिमल्स को खाते हैं मांसाहारी, जो मांस को खाते हैं एनिमल्स को खाते हैं कार्निवोर्स, एंड फ्रॉम सेकेंडरी कंज्यूमर्स टू टर्शरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन, टर्शरी कंज्यूमर्स ये कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स जो हर्बीवोर्स को भी खाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को भी कंज्यूम करते हैं और कार्निवोर्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं। दिस सिंपल चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अवे इज नोन एज फूड चेन। तो इसमें क्या होता है, एक एनिमल किसी और को कंज्यूम कर रहा है और उसी एनिमल को कोई दूसरा एनिमल कंज्यूम कर रहा है, तो एक चेन बन जाती है ईटिंग एंड बीइंग ईटन के। इसमें देखो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सन की रेडिएंट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और ये किस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एटीपी में, केमिकल फॉर्म में, रेडिएंट एनर्जी को केमिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एटीपी में, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सन की रेडिएंट एनर्जी को एटीपी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो जो ये ग्रीन प्लांट हैं किसी भी फूड चेन में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वहाँ उपस्थित होते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या फिर इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में उपस्थित होते हैं, और इनके द्वारा जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो यूटिलाइज होती है प्लांट ईटर्स के द्वारा। प्लांट ईटर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं, हर्बीवोर्स या इनको कहते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर उपस्थित लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि इनको यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स को, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, और एनर्जी प्राप्त करते हैं, फूड और एनर्जी प्राप्त करते हैं।
प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद में जो हर्बीवोर्स हैं इनको कंज्यूम करते हैं कार्निवोर्स, और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, और ये जो हैं कार्निवोर्स इनको भी आगे कार्निवोर्स कंज्यूम्स करते हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं और अगला ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट के बाद में सारे ही सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स कहलाते हैं, सेकेंड थर्ड एंड आगे जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं इसके बाद में इनको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स इनके जो भी डेड एंड डिकिंग मटेरियल्स होता है, डिकम्पोजर्स के बाद में जो उनके द्वारा फ्री होता है, डिकम्पोजिंग के बाद में जो मटेरियल्स फ्री होता है एटमॉस्फेयर में, उसको फिर से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। किससे करते हैं? सन की रेडिएंट एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जो ये फूड चेन बन रही है, पूरी एक फूड चेन, तो इसमें क्या होता है, जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स उपस्थित हैं ये सब कैसे रिलेटेड होते हैं, फंक्शंस के आधार पर, कार्य के आधार पर एक दूसरे से ये रिलेटेड होते हैं, स्पीशीज के आधार पर नहीं होते हैं, कार्य के आधार पर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे किसी फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट हैं, जैसे टाइफा, निम्फिया, एक्वेटिक फूड चेन है ये, जिसमें ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं टाइफा, निम्फिया, कारा, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, पर ये सब अलग अलग स्पीशीज हैं, परंतु क्योंकि इनका फंक्शन सबका सेम है इसलिए ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो किसी भी फूड चेन का बेस बनाता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में सेम ट्रॉफिक लेवल पर उपस्थित होते हैं, इनका फंक्शन सबका सेम है इसलिए ये सेम ट्रॉफिक लेवल में उपस्थित होते हैं। तो जो इनमें जो ये बंटवारा है फूड चेन में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में फंक्शंस के आधार पर होता है, ना कि स्पीसीज के आधार पर। और इनमें जो प्रेजेंट होते हैं फूड चेन में ओमनीवोर्स एनिमल्स, जो कि किस किस को कंज्यूम करते हैं, प्लांट ईटर्स भी हो सकते हैं ये, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को भी कंज्यूम करते हैं, हर्बीवोर्स को भी कंज्यूम करते हैं और कार्निवोर्स को भी कंज्यूम करते हैं। तो ओमनीवोरस भी फूड चेन में उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो फूड चेन है किससे स्टार्ट होती है, ग्रासेस से। ग्रासेस क्या होते हैं, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ग्रीन ग्रासेस एंड फोब्स। अब इनको कौन कंज्यूम कर रहा है, ग्रासेस को, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रासलैंड में होते हैं ग्रास होपर्स, इंसेक्ट्स, और इनको ये क्या है, प्राइमरी
कंज्यूमर्स, इनको आगे कंज्यूम कर रहे हैं फ्रॉग्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कार्निवोर्स, अब फ्रॉग्स को आगे स्नेक, टर्शरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स। और स्नेक को आगे कौन कंज्यूम कर रहा है? बर्ड्स, हॉक। हॉक क्या करते हैं? टर्शरी कार्निवोर्स। तो इस प्रकार से फूड चेन में, ग्रासलैंड में, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल ग्रास होपर्स, थर्ड ट्रॉफिक लेवल फ्रॉग्स, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल स्नेक, और स्नेक के बाद में जो टॉप ट्रॉफिक लेवल है हॉक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉन्ड इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो जलीय इकोसिस्टम है, मान लो किसी पॉन्ड इकोसिस्टम में, तालाब के इकोसिस्टम में क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंकटन। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ये क्या होते हैं? फाइटोप्लैंकटन सूक्ष्म जीवी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स, जिनके मूवमेंट वाटर करंट पर डिपेंड करती है। इनको वाटर करंट जिधर बहा करके ले जाते हैं, वहीं वाटर करंट के साथ में चले जाते हैं, इसलिए ये फाइटोप्लैंकटन होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स। और कैसे होते हैं? सूक्ष्म। तो ये किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का कार्य करते हैं। और इसके बाद इन पर जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में उपस्थित होते हैं जू प्लैंकटन, ये क्या होते हैं? एनिमल्स जो फाइटोप्लैंकटन को कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर उपस्थित होते हैं। जू प्लैंकटन क्या होते हैं? ये भी सूक्ष्म जीवी होते हैं, फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं, हुज मूवमेंट डिपेंड्स ऑन वाटर करेंट्स, वाटर करेंट्स पर इनकी मूवमेंट डिपेंड करती है। इसके बाद में जू प्लैंकटन को कंज्यूम करते हैं स्मॉलर फिशेस, ये कौन सी होती हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कार्निवोर्स। अब जो ये प्राइमरी कार्निवोर्स हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको बड़ी फिशेस कंज्यूम करती हैं, लार्ज या बिगर फिशेस। और जो इनको फिशेस को कंज्यूम करते हैं, ये कौन से लेवल हो गया इनका? टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोर्स। बिगर फिशेस को बर्ड्स जो हैं, ये स्मॉलर फिशेस एंड बिगर फिशेस दोनों को कंज्यूम्स करते हैं। तो ये प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स दोनों को ही बर्ड्स कंज्यूम करते हैं, और इनके साथ में जो और लार्जर एनिमल्स होते हैं वो भी फिशेस को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इस प्रकार से ये फूड चेन नेचर में कार्य करती हैं। इसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं
फूड और एनर्जी की जो इनकी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं।